अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बर्थ। आज हम अरसलान भाई के घर पे मौजूद हैं। अरसलान भाई आज जो है इनके पास पहाड़ी के जो चिप्स मौजूद हैं, इनके जो है पर वगैरह काटेंगे, तो इनसे बात करेंगे पर किस तरीके से काटते हैं और किस वजह से पर काटनी चाहिए और क्यों काटने हैं पर, और इसको हैंड टाइम वगैरह जो करना होता है उसमें पर काटना ज़रूरी है या तो पर पूरे पर में ही हैंड टाइम कर सकते हैं। तो चलिए अरसलान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आज आप जो है पर काटेंगे पहाड़ी तोतों के? हाँ, मैं पर काटना आप लोगों को आज सिखाता हूँ, क्योंकि पर क्यों काटने चाहिए ये सवाल भी बड़ा अहम है। पर इसलिए काटने चाहिए, जैसे कि आपके पास बर्ड, आपके पास एरिया ऐसा है कि वहाँ पर बर्ड उड़ सकता है, आपको अंदेशा है कि आपका बर्ड उड़ सकता है, तो आप उसको लाजमी ट्रिम करके रखें। और ट्रिम करने से बर्ड जो है ना आपकी गिरफ्त में रहता है, सही है, कहीं ऐसे आपसे भागता नहीं है। बहुत से बर्ड ऐसे होते हैं जो फ्लाई टाइम हो चुके होते हैं, उनको भी जो है कभी कभार पर काटने पड़ जाते हैं अगर वो बिगड़ जाए। सही है, अभी मेरे पास पहाड़ी के बच्चे मौजूद हैं, ये भाग रहे हैं मेरे हाथ से, उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास घर में ऐसी कवर्ड एरिया नहीं है ताकि मैं इसको रोक सकूं उड़ने से। अब मैं आपको उनके पर काटना सिखाता हूँ। पहाड़ी का बच्चा कोई भी कैंची ले लें आप घर में, बर्ड को ऐसे पकड़ना है इजीली आपने, ठीक है ना। ये आपने पर खोलना है इसके, ये जो कलियां है ना ये वाली, तीन कलियां छोड़ के बाकी कलियां आपने बड़ी तीन कलियां छोड़ दें, ठीक है। बाकी नीचे की कलियां, ये घूमी हुई कलियां होती है ना, वो कलियां छोड़ के जो उड़ने वाली कलियां होती है ना, वो कलियां आपने काटनी है। पर काटने के बाद पर कितने टाइम बाद वापस आ जाते हैं? पर काटने के बाद कोई जब तक पर कटेंगे वो नहीं होंगे ना, खींचेंगे नहीं जब तक पर नहीं आते। बहुत आसान सा मरल है पर काटने का। अब उड़ के भागेगा नहीं, अब इजीली आप इसको हाथ पे लेकर टेम कर सकते हो। ये देखो, अब ये अगर एक दफ़ा भी उड़ेगा ना तो उसका अंदाजा हो जाएगा मेरे पर कटे में, तो मैं कहीं नहीं भाग सकता। अब देखिए उड़ने की छलांग मारी उसने पर खटे में, तो अब ये के कहीं भागेगा नहीं, बचा तो देखिए कि वरना काफ़ी लोगों को नुकसान भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो समझते हमने छोटा बच्चा पाला है उड़ेगा नहीं, वो भाग जाते हैं। माशाल्लाह अब रिलैक्स हो गया, अब ये जितने ही बार मार ले उड़ नहीं सकता। सही, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पर क्लिपिंग, नेल्स क्लिपिंग, नेल्स भी काटे जाते हैं, वो मैं किसी और वक्त आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, नेल्स किस तरीके से ट्रिम करे जाते हैं। तो गाइस अरसलान भाई ने आपको पर काट के भी दिखा दिया पहाड़ी तोतों के कि किस तरीके से पर काटने चाहिए। अगर किसी को पर काटने हो तो आप काट सकते हैं घर पे आराम से, वीडियो भी देख लें, वीडियो को थोड़ा समझ के उसके बाद जो है पर आप काट सकते हैं। तो शुक्रिया अरसलान भाई आपने टाइम दिया। थैंक यू आपका आने का मेरे घर पर, काफ़ी लोगों का पसंद करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने काफ़ी दूर दूर से फ़ोन करे और वीडियो पसंद करी, और थैंक यू वंस अगेन। नेक्स्ट बर्ड, गुड बाय।